एंड आते आते हमको एक ऐसा चीज दिख गया यार, जो देखकर ना मेरा यार दिमाग खराब हो गया कि कैसे पॉसिबल है। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एंड वो है मेरे सामने, आप लोग चेक करें। दिस इज द शेवरलेट कैमरो, एक स्पोर्ट्स कार है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, अबंडेंट हालत में पड़ा हुआ है रोड के किनारे। मतलब सुना था कि मिडिल ईस्ट कंट्री, चाहे वो दुबई हो, सऊदीया हो, कतर हो, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कार हो या सुपर कार हो, वो ऐसे ही मतलब अबंडेंट तरीके से पड़ा रहते हैं। यार आज दिख भी गया आंखों के सामने, मतलब सीरियसली यार। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गारे हीरा के तरफ साइट सीन एक्सप्लोर करने के लिए। अब गारे हीरा मेरा एक बहुत ही पसंदीदा एक जगह है, जहाँ पर विजिट करने का मेरा बहुत मन था, एंड अलहमदुलिल्लाह भी हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी लाइक असर का टाइम है, थोड़ा सा लाइक धूप उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो अच्छा टाइम है विजिट करने का गारे हीरा। नहीं तो वैसे दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। तो अभी बस मैं, जावेद एंड मेरी दीदी, हम तीनों ही है जाते हैं यहाँ से, एंड बहुत अच्छा लग रहा है इवनिंग टाइम में। इवनिंग नहीं है एक्चुअली, आफ्टरनून टाइम है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग व्यूज़ चेक करो आसपास का। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं गारे हीरा के मतलब एकदम नीचे, एकदम बेस में अभी हम लोग आ चुके हैं। बाय द वे यहाँ का चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब आप लोग देख ही सकते हो इधर से, आप लोग स्लोप देखो। एंड द थिंग इज कि वीडियो में ना ठीक से पता नहीं चलता कि कितना ज़्यादा स्टीप है, कितना ज़्यादा चढ़ाई है। अगर आप यहाँ पर रहोगे फिर आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा खासा स्टीप है। अभी देखो उधर से गाड़ी नीचे आ रही है, तो उससे पता चला। अब हम लोग को जाना है एकदम ऊपर, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जरा आप लोग देख सकते हो सब लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को एकदम वहाँ पर चढ़ना है एकदम ऊपर, एंड 2-2.5 घंटा इतना लगता है सुनने में आया है। अब देखते हैं हम लोगों को चढ़ने में कितना टाइम लगता है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 4:30 बज रहे। ओके तो देखते हैं कितना टाइम में हम लोग ऊपर पहुँचते हैं। बाप रे बहुत स्टीप है यार। हाँ चलो रिटर्न चलते हैं, हालत खराब हो गया इतना में। आओ आओ ऊपर आओ। अभी तो ये बेस लेवल में आया तुम, बट अभी हम लोगों को बहुत ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। सो गाइस बस अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स से, यहाँ पर स्टेयर्स बने हुए हैं। सोचा था कि पूरा पत्थर ही रहेगा, उठने में बहुत दिक्कत होगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टेयर्स बने हुए हैं, बट बहुत स्टीफ है तो चढ़ने में तकलीफ तो होगा। एंड एनीवेज अभी मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंस बता देता हूँ ऑफ गारे हीरा। तो गारे हीरा एक्चुअली, गारे हीरा के ऊपर कुरान का आयत, फर्स्ट जो 5 आयत था वो नाजिल हुआ था, एंड वहीं पर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भी जाकर बैठते थे, एंड वहीं पर उनके ऊपर कुरान का फर्स्ट 5 आयत नाजिल हुआ था। तो चले ऊपर चलते हैं, ऊपर से बहुत अच्छा व्यूज़ इंशाल्लाह देखने के लिए मिलेगा सिटी का, क्योंकि अभी से आप लोग देखो यहीं से बहुत ही अच्छा खूबसूरत व्यू दिख रहा है, तो ऊपर से तो और भी खूबसूरत दिखेगा। तो चलते हैं ऊपर जाकर देखते हैं, एंड एक अच्छा चीज़ होगा वो है कि सनसेट हम लोग देख पाएंगे ऊपर से, तो वो मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ होने वाला है। देखते चलो 2 ग्लास अभी। गाइस यहाँ पर इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है, नींबू पानी पीना पड़ेगा। नींबू पानी है ना, नींबू पानी देना, थोड़ा बनाना पड़ेगा ताज़ा ताज़ा। आप कहाँ से हो? मैं कश्मीर से। इंडिया वाला या पाकिस्तान वाला? पाकिस्तान का, आज़ाद कश्मीर कोटली से। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बहुत चढ़ना बाकी है। जस्ट थोड़ा सा बाकी है, गाड़ी हीरा जबरदस्त लोग जान यार, उठने में ना मतलब हालत खराब हो गया।
अब मैं एक्साइटेड हूँ उधर वाला व्यू देखने के लिए, हम लोग मतलब मक्का के पीछे वाले साइड से उठे तो उधर का सीन बहुत ही कमाल का रहेगा, क्योंकि यहाँ से पहले काबा शरीफ दिखता था, बट अभी ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग हो चुके हैं, इसके वजह से अभी दिखता नहीं है, बट क्लॉक टावर दिखेगा। और बस कुछ स्टेयर्स बाकी है एंड टोटल 1750 स्टेयर्स है एंड 2100 फीट ऊँचा है पहाड़, 2100 फीट एंड 1750 स्टेयर्स है सीढ़ी, बस और थोड़ी सी बाकी है, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। गाइस यहाँ पर आप लोग रश देख सकते हो, वो रहा एक्चुअली गाड़े हीरा, तो इसके अंदर ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते थे एंड यहीं पर कुरान का फर्स्ट 5 आयत नाजिल हुआ था। तो यहाँ पर सब लोग रश लगा रहे हैं 2 रकात नमाज की, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, बट यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है एंड इसके अंदर जाकर इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। ये रास्ता है, इसके अंदर से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा और इधर एक क्यूट सी बिल्ली, तो इधर से जाकर फिर हम लोग दाखिल होंगे गाड़े हीरा के साइड में एंड आप देख ही सकते हो बहुत डिफ़िकल्ट है एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तकलीफ़ उठाकर फिर इतना ऊपर आते थे एंड आकर यहाँ पर मेडिटेशन करते थे। और देखो ये भाई साहब फंस गए, अरे बाप रे यार, आज मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड ये 2 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। उस दिन हम लोग गए थे गाड़े हीरा एंड बहुत ही अच्छा लगा था, बट आने के टाइम में मैंने और वीडियो कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि अंधेरा हो गया था एंड बहुत ही ध्यान से उतरना पड़ रहा था। एनीवेज आज हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स मदीना और अभी हम लोग बस में बैठे हुए हैं, तो आज रात हो जाएगा 5 मदीना, तो चलते हैं एंड देखते हैं आपका मदीना कैसा है। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं।
वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई। देखें ये ऐसी ज़ियारत नहीं है, अक्सर हुज्जाज माशाल्लाह देख के जा रहे हैं, ये पहाड़ है, ये पहाड़ी है, बस गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ये मदीना मुनव्वरा में सबसे बहुत बड़ी ज़ियारत है। उलमा फरमाते हैं यहाँ से लंबी लंबी सांसें लें तो आपको सहाबा कराम की खुशबू आएगी। एक उलमा फरमाते हैं इस पहाड़ को देखना भी सवाब है। ये जंती पहाड़ है, सोने का पहाड़ है, कशिश वाला पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहद मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। ये कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जंतियों का इस्तकबाल करेगा। अल्लाह आपको और मुझे तमाम मुसलमानों को जन्नत मिले। और इसी ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जबले रुमात। कौन सी पहाड़ी? जबले रुमात, जबल पहाड़ और रुमात का मानी है तीर अंदाज। इस पहाड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज तैनात फरमाया। चाहे जंग शिकस्त हो चाहे फतह हो, आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। सहाबा कराम देखा कि हम जंग जीत चुके हैं, माले गनीमत जमा करने के लिए नीचे उतरे। 10 सहाबा ऊपर थे, जो नीचे माले गनीमत जमा कर 40 सहाबा, तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह मुसलमान नहीं थे, कुफार के लश्कर के सिपा सलार थे। उसने हमारे 10 सहाबा को इसके ऊपर शहीद कर दिया, जो नीचे माले गनीमत जमा कर 40 सहाबा उनको भी शहीद कर दिया। इसी जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। इस पहाड़ी ने ओहद ने दिल चिरा वसल्लम को आराम पर ये दो कब्रें नजर आ रही हैं, ये सामने वाले दो कब्रें, इनमें है 3 सहाबी। कितने सहाबी? एक कब्र में हजरत अमीर हमजा और एक कब्र में 2 सहाबी, हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह। और उसी के साथ साथ ये गढ़ा है, गढ़े के अंदर 67 सबों के इज्तमाई आलद है। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 70 सहाबा। और ये मस्जिद बन चुकी है, हजरत अमीन के नाम से बन चुकी है। जब इसी मस्जिद की खुदाई कर रहे थे तो एक सहाबी की कब्र निकली, खून भी निकल रहा था, चेहरा भी चमक रहा था, उसको लेके जन्नत उलबकी में दफने। इमामुल अंबिया देखो हबीबे। सो गाइस, ये जो पीछे मेरे मस्जिद है सफ़ेद कलर की, ये मस्जिद किबलातैन है। तो पहले जो मुसलमानों का किबला हुआ करता था वो फिलिस्तीन में मस्जिद अल अक्सा की तरफ हुआ करता था। इसी मस्जिद में नमाज के दौरान अल्लाह के हुक्म से किबला चेंज हो गया था टूअर्ड्स काबा शरीफ, तो अभी हम लोग काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज़ पढ़ते, वो अभी हमारा किबला है। बट पहले फिलिस्तीन की तरफ था मस्जिद अक्सा की तरफ। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर नमाज के दौरान किबला चेंज हुआ था। एंड अभी मैं गया था अंदर जाकर, 2 रकात शुक्रिया का नमाज पढ़ा एंड 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा। एंड अभी जाएंगे बस के तरफ, जाकर देखते हैं और कुछ मतलब पॉइंट्स वगैरह है या नहीं, या यही लास्ट पॉइंट है, चले देखते हैं। एंड आप लोग बने रहो वीडियो में। एंड यस लेट्स गो। गाइज अभी हम लोग ऑलमोस्ट आज के हमारे लास्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर एक्चुअली दूर में आपको दिखेगा खजूर का बाग। तो यहाँ से जितने सारे टूरिस्ट हैं वो लोग खजूर वगैरह लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मदीना में हैं। तो यहाँ से जब रिटर्न जाएंगे घर के तरफ, तो रिश्तेदार के लिए, दोस्त लोगों के लिए, तो यहाँ का जो चीज़ है लाइक जो गिफ्ट वगैरह है या खजूर है, सब कुछ ले जाना बनता है। तो अभी हम लोग का जो बस है वो वहाँ पर ठहरी है। एंड आते आते हमको एक ऐसा चीज़ दिख गया यार, जो देख कर ना मेरा यार दिमाग ख़राब हो गया कि कैसे पॉसिबल है। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड वो है मेरे सामने, आप लोग चेक करें, दिस इज़ द शेवरलेट कैमिरो, एक स्पोर्ट्स कार है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, अबंडेंट हालत में पड़ा हुआ है रोड के किनारे। मतलब सुना था कि मिडिल ईस्ट कंट्री, चाहे वो दुबई हो, सऊदीया हो, कतर हो, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कार हो या सुपर कार हो वो ऐसे ही मतलब अबंडेंट तरीके से पड़ा रहते हैं। यार आज दिख भी गया आँखों के सामने, मतलब सीरियसली यार देख सकते हो कैमरे अंदर का हाल, अंदर का हाल। अरे बेचारा, ये इसका फ्यूल कैप, ये पीछे का साइड क्या हाल बना दिया यार। और जिसका वो यहाँ पर छोड़ भी दिया है, शायद से सीज कर लिया पुलिस, अगर पुलिस सीज करता तो शायद से पुलिस स्टेशन में होता, नहीं पता क्या इसका हिस्ट्री है। बट एनीवेज खराब लग रहा है देख की हो हुस्न की महफिल कभी हो
शौक का गाइस अभी आप लोग देख सकते हो खजूर का बाग एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। बाहर तो बहुत धूप है, मतलब बाहर क्या मतलब धूप है, गर्मी है, बट बाग के अंदर ना मतलब एकदम पूरा छाव है, ठंड है, लाइक यहाँ पर एकदम भी गर्मी भी फील नहीं हो रहा है एंड धूप तो आ ही नहीं रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। सोचो कि इस टाइप का जगह है, यहाँ पर हम लोग बैठ कर आराम से टाइम स्पेंड करें तो कितना अच्छा लगता है ना। वाह, और ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बैठने का जगह है, उधर तो एकदम घना है, उधर एक भैया गए हैं अंदर। एनीवेज बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। अब से इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे जगह एक्सप्लोर करेंगे एंड सबसे बेस्ट तो पहले एक्सप्लोर कर लिया हम लोगों ने, मक्का एंड मदीना। तो यस चलो देखते हैं और क्या रहता है आज के वीडियो में। कभी आंसू की जंजीरों में आशिक की सदा देखो, रसूलों क़ासिमुल ख़ैरात फ़िद्दुनिया। सो गाइस अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो वो रहा मस्जिद कुबा एंड ये आज के हमारे मतलब साइट सीन का लास्ट पॉइंट है। एंड मस्जिद कुबा का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एंड वो है कि मस्जिद कुबा इस्लाम का सबसे पहला मस्जिद है। तो ये रहा मस्जिद कुबा, ये मस्जिद अल नबवी से भी पहले का मस्जिद है, इस्लाम का सबसे पहला मस्जिद है मस्जिद कुबा। एंड जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तब सबसे पहले वो यहीं पर ठहरे थे एंड वहाँ पर उनका ऊँटनी जो थी वो बैठ चुकी थी एंड वहाँ पर ही मस्जिद बनाया गया है। अभी आप लोग देख सकते हो मस्जिद कुबा एंड वहाँ पर अभी नमाज भी पढ़ा मैंने एंड बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो इस्लाम का सबसे पहला मस्जिद जो मस्जिद नबवी से भी पहला बना है एंड इसका पहला जो ईंट रखा था बुनियाद का वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ईंट रखा था एंड इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब चलते हैं बस की तरफ क्योंकि थोड़ी देर बाद जहर का नमाज पढ़ना पड़ेगा मस्जिद नबवी में, तो चले चलते हैं। दरे जन्नत पे हाजिर हूँ रसूल पाक के हमरा, शफाअत का ये मंजर या खुदाया मैं रज़ा देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं।